हमारी 390 में पता नहीं क्यों ये ABS फेलियर का रेड साइन यहाँ पे आ चुका है। और ये करने के बाद हमारे बाइक की थोड़ी सी पावर भी इंक्रीज हो जाएगी और थोड़ा आवाज भी लाउड हो जाएगा। लगभग 4 से 5 किलो इसका वेट तो होगा। तो अभी डिकेट होने के बाद ये फर्स्ट स्टार्ट है बाइक का। ऑन यूट्यूब ये हमारी फर्स्ट BS6 ड्यूक 390 है जो स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ डिकेट हुई है। हेलो गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, आई एम फ्रॉम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल व्लॉग है क्योंकि आज मैं मेरे बाइक पर एक मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। वो मॉडिफिकेशन क्या है वो आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया है। ये मॉडिफिकेशन मेरे दिल के थोड़ा ज़्यादा करीब है क्योंकि बहुत टाइम से करना था मॉडिफिकेशन मुझे, और इस मॉडिफिकेशन को करने की चूल मुझ में तब से जगी जब से मैंने मेरे बाइक के एग्जॉस्ट का DB किलर रिमूव किया। इससे पहले तो मुझे एग्जॉस्ट से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब मैंने एग्जॉस्ट का DB किलर रिमूव किया ना, तब मुझे एक बात पता चली कि भाई बिना एग्जॉस्ट के बाइक में मज़ा नहीं है। क्योंकि जब आप बाइक भगाते हो और तब जो आपको साउंड का बैकअप मिलता है एग्जॉस्ट से, वो खुशी मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और ये मॉडिफिकेशन करने के बाद मेरे बाइक की थोड़ी सी पावर भी इंक्रीज़ हो जाएगी और साउंड भी थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा लाउड हो जाएगा। तो बाकी की जो बातें हैं हम बाइक पे करते हैं। आज मेरे साथ है नीलेश, तो जितने भी एक्स्ट्रा शॉट्स आएंगे उसका क्रेडिट नीलेश को जाता है। तो चलो फटफट ऐसे निकलते अभी। ओके, ऑल राइट। तो अभी पेट्रोल भरा के हम लोग निकल चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:15। वाओ, सामने ही फ्लाइट। अच्छे टाइम पे मैंने कैमरा ऑन किया। और अभी थोड़ी हम टाइम पास की बातें करते हैं। टाइम पास की बातें यानी पिछले 3 महीने में मैं क्या कर रहा था। पिछले 3 महीने मैंने एक भी व्लॉग शूट नहीं किया, घर पे ही था, बहुत आलसी बना चढ़ गया था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर व्लॉग अपलोड करूँ, तो वो देखने के लिए आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा। और अभी ये भी नहीं पता है कि एंगल कैसा आ रहा है क्योंकि मैंने GoPro को हाथ ही नहीं लगाया बहुत दिनों से, तो एंगल का भी मुझे पता नहीं। बस 15 अगस्त पे हम लोग राइड पे गए थे तब मैंने शूट किया था, लेकिन व्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि तब थोड़ी ज़्यादा मस्ती चल रही थी लड़कों की, तो सब मस्ती में ऑन कैमरा दिखा नहीं पा रहा था, इसलिए फिर मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। और अभी जस्ट 4-5 दिन पहले पार्टी लाके गया, तो उससे भी मिले थे हम। अभी हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट 23 सितंबर को दिल्ली में, क्योंकि MotoGP के लिए हम तीनों जा रहे हैं, यश, पाटिल और मैं। टिकट्स ऑलरेडी बुकड हो चुकी है। यश फ्लाइट से आ रहा है, मैं यहाँ से बाय ट्रेन जा रहा हूँ, पाटिल भी वहाँ से उज्जैन से बाय ट्रेन आएगा, और फिर वहाँ का भी ब्लॉग शूट करेंगे। तो बात करते हैं अभी हमारे बाइक के मॉडिफिकेशन के बारे में। मॉडिफिकेशन जो है वो बाइक के एग्जॉस्ट के साथ हो रहा है। बाइक का एग्जॉस्ट डीकैट होने जा रहा है विथ स्टॉक एग्जॉस्ट। तो एक्चुअली अभी मैं जो प्री मफलर रहता है उसको कुछ लोग रेजोनेटर बोलते हैं, वो रिमूव होने वाला है, कैटालिटिक कन्वर्टर। तो वो काम मैं अभी मार्क परफॉर्मेंस से करने वाला हूँ। और बारिश नहीं होनी चाहिए, बस यही सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो रेनकोट एक ही है हमारे पास, और वो मैं नीलेश को देने वाला हूँ क्योंकि बाइक के पीछे मडगार्ड नहीं है तो उसका टी शर्ट पूरा ख़राब हो जाएगा। उससे अच्छा मैं भीग लूँ थोड़ा। लेकिन ये हाल देख के तो लग नहीं रहा है कि बारिश होगी, पसीने निकल रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो इस ट्रैफिक को फटाफट क्लियर करता हूँ और अभी सीधा आपको मार्क परफॉर्मेंस पर ही मिलता हूँ। बजे निकले थे, 12:40 हो गए, अब जाके पहुंचे मार्क परफॉर्मेंस। देखते कितना टाइम लग रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच तो गए, लेकिन मेरी जिनसे बात हुई थी सलमान भाई, वो अभी तक आए नहीं है, तो वो आने तक हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे। और इसको लगी भूख, तो इसको अभी कुछ खिलाता हूँ, मैं भी कुछ खाता हूँ, और सलमान भाई आने के बाद ही जो काम है वो होगा। तो अभी 1:15 हो रहा है और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। सलमान भाई से जस्ट हमारी बात हो गई है, वो बोले कि आज थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा है और वो एग्जॉस्ट का कनेक्टर बनाना पड़ेगा, वो बनाने के लिए टाइम जाएगा। तो वो बोले कि मंडे को आ डायरेक्ट, मैं सब बना के रखता हूँ, और एक पाइप बनाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे रुक के कुछ मतलब नहीं, ऐसे निकलते और ये ब्लॉग सीधा अभी मंडे को कंटिन्यू करेंगे। मंडे को भी यही रहेगा अपने साथ, कैमरामैन नीलेश के साथ शुभम दूरी। ओके, ऑल राइट गाइज, तो आज है ट्यूजडे, मंडे को सलमान भाई ने बुलाया था लेकिन कल भी वो बिजी थे, इसलिए आज जा रहा हूँ। पूरा एक हफ्ता कंप्लीट हो चुका है, फाइनली आज तो काम पूरा हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। और नीलेश आने वाला था मेरे साथ तो वो भी नहीं है, उसकी एग्ज़ाम है आज, तो वो एग्ज़ाम देने चले गया। और हमारी 390 में पता नहीं क्यों ये ABS फेलियर का रेड साइन यहाँ पे आ चुका है, और मेरी फट रही है अभी थोड़ी भगाने के लिए। ये एक बार विघ्नेश को या फिर KTM सर्विस सेंटर में दिखाना पड़ेगा। बाइक मस्त मैंने
धो के साफ़ सुथरी करके रखी थी, क्योंकि काम करने देना है तो भाई किसी को गंदी बाइक देना अच्छा नहीं लगता है मुझे। लेकिन ढेरंडी के दिन इतनी बारिश, बाप रे बाप, बारिश से आप कितना भी बचा लो नहीं बचते, तो थोड़ी बहुत फिर से गंदी हो चुकी है, लेकिन ठीक है कोई ना। और टाइम हुआ है अभी सुबह के 11, फटाफट अभी मार्क परफॉर्मेंस पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँच के आपको अभी आगे का सीन दिखाता हूँ। पहुँच गया हूँ मैं मार्क परफॉर्मेंस और चिकना मोड इज़ ऑन। और बाइक में और एक प्रॉब्लम आ रही है, बाइक की चाबी बंद करने के बाद भी हेडलाइट चालू रह रही है, फिर इसको एक बार चालू करके बंद करना पड़ता है, फिर ये बंद हो जाती है। तो वही ये दो प्रॉब्लम्स आई है, ABS फेलियर और ये हेडलाइट का इशू। और अभी देखते हैं एग्जॉस्ट का क्या सीन है। ओके, तो बात करते हैं अभी हमारे एग्जॉस्ट की। एग्जॉस्ट का जो मॉडिफिकेशन होने वाला है, मुझे जितना पता है उसमें ये जो ब्लैक वाला पार्ट है और ये वाला ब्लैक वाला पार्ट, ये दोनों भी रिमूव हो जाएगा और ये एग्जॉस्ट जो है हमारा यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक कनेक्ट होएगा एक पाइप के थ्रू। तो बस इतना ही करना है, और ये करने के बाद हमारे बाइक की थोड़ी सी पावर भी इंक्रीज़ हो जाएगी और थोड़ा आवाज़ भी लाउड हो जाएगा। ये काम कंप्लीट होने के लिए कम से कम 2 से 4 घंटा लग सकता है। अभी तक बाइक ठंडा होने के लिए रखा है, ठंडा होने के बाद फिर काम चालू करेंगे, क्योंकि गर्म गर्म एग्जॉस्ट को हाथ लगाना मतलब खाऊ नहीं है। निकालने के बाद बाइक में क्या क्या चेंजेस आएगा आपके हिसाब से? वेट कम होगा, हाँ, और पावर पावर बढ़ेगा ना थोड़ा, और लाउड भी हो जाएगी थोड़ी, लाउड। तो बस वही है जो मैंने बताया था। रियर का आपने ये निकाला है क्या? रियर के उसमें डीबी किलर निकाला है? हाँ, डीबी किलर निकाला हुआ है मैंने, और अभी एयर फिल्टर भी डालने वाला हूँ मैं, 1-2 महीने में डाल रहा हूँ। तो हमारा मेन जो हेडर से पाइप निकलता है वो निकल चुका है, वो रेजोनेटर या कैनिस्टर जो भी है वो अभी निकल जाएगा। ओके, आ गया हमारा कैनिस्टर बाहर। बाप रे, लगभग 4 से 5 किलो इसका वेट तो होगा, मतलब वेट भी अभी कम हो गया है बाइक से, बाइक और लाइट वेट बन चुकी है। अभी ये जो मेन पाइप है इसमें 2 कैटलिटिक कन्वर्टर है, तो ये वाला हम लोग रिमूव कर रहे हैं और ये वाला वैसे ही रख रहे हैं, ये फुल सिस्टम में बाद में चेंज कर लेंगे। कंट्रोल करता है और इसकी वजह से बाइक का गला चोक हो जाता है, बाइक घुट घुट के सांस लेती है, अभी खुल के सांस लेगी ये रिमूव होने के बाद, भी ये कुछ काम का नहीं है। अभी इसकी जो रिंग है वो शायद इसमें आने वाली है वहाँ से निकल के। कौन सा मटेरियल देते हैं? गैस्केट है। ना तो समझेगा नहीं, सब ऊपर से जाएगा, ज़्यादा उसको ताकत से लगेंगे तो टूट जाएगा ना। फाइनली ये पाइप बन के तैयार हो चुका है। मैं लगभग यहाँ पे 11:30 बजे आया था और अभी 4:55 हो रहा है, मतलब 4 से 5 घंटा चले गए इसमें। बहुत मेहनत लगी है इसमें सलमान भाई की, बहुत काट काट के बहुत मेहनत से बनाया है। अभी इट्स द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, लगा के देखते हैं कैसा रिजल्ट आ रहा है।
कैट होने के बाद ये फर्स्ट स्टार्ट है बाइक का। बहुत ज़्यादा लाउड हो गई है, बहुत ज़्यादा लाउड हो गई है भाई। मतलब इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था, तबाही आवाज़ आ रहा है, तबाही आवाज़ भाई। अभी थोड़ा पांडू लोग से बच के रहना पड़ेगा मेरे को। अभी ये वाला गैप थोड़ा खाली खाली लग रहा है, इसका बाकी का रिव्यू मैं आपको मोटर ब्लॉगिंग वाले सेटअप पे देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है, यहाँ से अभी पेमेंट करके फटाफट निकलता हूँ। ओके, तो गाइस 5:05 हो रहे और यहाँ से फाइनली मैं निकल चुका हूँ। मतलब 5 से 5.5 घंटा मेरा आज चले गया, लेकिन भाई जो समय गया है वो टोटली वर्थ है। और हैड्स ऑफ टू मार्क परफॉर्मेंस रेसिंग एग्जॉस्ट टीम भाई, सलमान भाई ने क्या काम किया, मतलब सच में काबिलियत तारीफ है। क्या से क्या आवाज़ हो गया है बाइक का। पिकअप का तो अभी तक पता नहीं है, वो तो हाईवे पर पता चलेगा, लेकिन आवाज़ भाई तड़ी पार। मतलब वो लास्ट का जो पाइप बनाने के लिए इतना कष्ट लगा है ना, उसका मेजरमेंट ले लेके इतना मटेरियल भी वेस्ट हो गया, लेकिन फिर भी ओ भाई साहब, आई डोंट नो कैमरा में ये वॉइस जस्टिस हो रहा होगा या नहीं, लेकिन सच में मैंने सोचा नहीं था इतना ज़्यादा लाउड हो गया है। मज़ा आ रही है, बहुत मज़ा आ रही है, लेकिन फट भी उतनी रही है कि सिग्नल पे मामा लोग साइड में ना कर ले मुझे, क्योंकि ये बहुत लाउड है भाई। और ये आपको बताने के लिए खुशी हो रही है कि ऑन यूट्यूब ये हमारी फर्स्ट BS6 Duke 390 है, जो स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ डीकैट हुई है, और ऊपर से हमारा DB किलर भी रिमूव है पहले से, तो स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ ही इसका एग्जॉस्ट नोट इतना प्यारा आ रहा है ना कि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं लग रही है मुझे। अभी तो हर गियर पे पटाखे फोड़ रही है ये। ओ भाई, इसी की तो कमी थी जिंदगी में, हो गई पूरी। ओहो भाई, खुशी का लेवल ना सातवें आसमान पे, आज मेरा सातवें आसमान पे। असली मजा तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे आएगा अभी। और अभी मुझे ये भी पता चला है कि हमारे बाइक का लो एंड टॉर्क थोड़ा सुधर गया है। पहले 5वें गियर पे 35 की स्पीड पे बाइक नॉक करती थी, लेकिन अभी देखो कितना आराम से चल रही है। ये देखो 4वें गियर पे 25। हाईवे पे तो आ चुका हूँ मैं, लेकिन ट्रैफिक पूछो मत, ट्रैफिक ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। बाइक पहले से ज़्यादा लाइट लग रही है, और अभी पहले से भी ज़्यादा पॉप्स एंड क्रैकल्स दे रही है। तो बस अभी इस ट्रैफिक में तो मैं भगा नहीं सकता, तो इसके एग्जॉस्ट नोट के ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर माइक एग्जॉस्ट के पास रख के, मतलब आपको और अच्छी तरीके से इसका एक्सपीरियंस आ सकता है। तो बस आपको आवाज़ सुन के आई होप मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू लेटर, लिव इन पीस मैन।